हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे तो बच्चे छोटे वाले चले गए हैं स्कूल में, और आज सारे के सारे खांस कर दिखा रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत तेज़ खांसी हो रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एसी कुछ मम्मी ने चलवाते हैं। दवाई दे के फिर भी भेज दी स्कूल में जाओ। नाश्ता करा के दवाई देने के बाद भेज दिए हैं। और चिंकी को हल्का सा फीवर है, लेकिन अभी ठीक है, थोड़ी देर पहले था। दवाइयाँ ले रही है प्रॉपर अपने आप टाइम से, और खाने पीने का भी पूरा ध्यान कर रही है। नारियल पानी पी लिया इसने सुबह, क्योंकि वो ज़्यादा असर करता है। रात के टाइम तो नुकसान देता है, लेकिन सुबह के टाइम हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। थोड़ा हाँ नज़ला भी है, और आज इसका ब्लड टेस्ट होगा। तो चिंकी, जहाँ तू स्कूल में नहीं जा रही, कैसा लग रहा? होमवर्क छूट रहा होगा तेरा तो बहुत सारा है। बहुत बुरा लग रहा है। आज किसी बच्चे को बोल दिए इसकी क्लास के, जो कोई पूछेगा ना उसका होमवर्क भेज दो, ठीक है? नहीं, मैं मांग लूंगी। भेज दिया था कल भी। भेज दिया था? मुझे बता दी, मैं करवा दूंगी। तो गुड्डू, जैसे तू अकेली जा रही बिना चिंकी के, तुझे कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? पता क्या हुआ है, जब पानी खत्म हो जाता ना तो मैं इससे गाड़ी में पानी ले लूँ थी, कल मैं देख रही हूँ पानी किससे लूँ। तो एहसास हुआ तुझे कि चिंकी होने का फायदा कितना है? जैसे लंच बच जाता ना तो ये गाड़ी में मुझे दे देती लंच की, तू खा ले। मैं कहूँ थी कि लंच बच रहा, दे देती। और जब मुझे कल प्यास लगी, मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हुई, फिर मुझे वाटर टैप पे जाना पड़ा। हाँ, देखा चिंकी, अब पता चला इसे। और वैसे तो चिंकी मान जा। तो आज है सत्य सतियों का श्राद्ध, कनागत यानी कि। तो अभी मिट्टी के चूल्हे में झीणा लगा दिया है, अब करेंगे तैयारी। क्योंकि जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था बच्चों का, वो बनाया था मैंने गैस के चूल्हे पर, और यहाँ पर बनाऊंगी अब मैं सारा खाना, क्योंकि जल्दी से ही बन जाएगा। श्राद्ध का खाना बनता है तो सारा खाना एकदम ही बना लेते हैं, दोपहर का भी नहीं तो पूरा दिन जो है खाना बनाने में ही निकल जाता है। आज बनाएंगे जवे, छोले और रोटी, ना कि पूरी, क्योंकि सबके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। तो सिंपल सी रोटी रखेंगे, नहीं तो पूड़ियाँ बनाने का मन कर रहा था, लेकिन जब कोई खाएगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो चलो जी, करते हैं सारी तैयारी। और दोनों चाचा जी वहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं, नाश्ता कर लिया है चाचा जी ने भी, और अभी गुड्डू को छोड़कर आएंगे ये बस स्टॉप तक। तो ये ले लिया मैंने जवे, और दूध गर्म हो गया, अभी इन्हें डालते हैं। जवे बनाना बड़ा सिंपल है, देखो। और बस इनका ध्यान रख रहा ताकि इनमें उबाल ना आए। और छोले उबलने के लिए रख दिए कुकर में गैस पर, क्योंकि वो वाला कुकर ना अभी इस चूल्हे पर आता नहीं, ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, वो नीचे निकलने का डर है। सामने की साइड में इसमें कुछ सपोर्ट नहीं है, इनका सपोर्ट वाला बनावाएंगे, जिससे कि पैर सपोर्ट देने के बाद में क्या दिक्कत आवे, उसमें ईंधन अच्छे से नहीं लग पाता। और गुस्से कर रहे परेशान, अभी घेर में जाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ से थोड़ी सी चुनकर लकड़ी लानी पड़ेगी, तभी जाके खाना जल्दी से बनेगा, ईजी हो जाएगा मेरा काम। फिर इसमें से मुझे ईंधन थोड़ा हाँ निकालना पड़ा, क्योंकि उफान आ गया था इसमें, देखो। बस अब 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूध के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको बनाया, क्योंकि पूजा में ज़रूर चाहिए ये, सतियों के कनागत में हमारे यहाँ पर ज़रूर बनते हैं जमे। तो ये ले लिया मैंने चीनी, शुगर में नहीं डाल लेंगे भाई, शक्कर और गुड़ तो ख़त्म हो गया था, अब जो नए सिरे से आवेगा वो यूज करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ कुल्लू चलने नहीं शुरू हुए। तो ये बन गए हमारे जवे, और अब रखूँगी मैं यहाँ पे चावल बनने के लिए, और फिर छोंक देंगे सब्जी को। छोले उबल गए हैं, और छोंकने के लिए सारी तैयारी होगी। अदरक, धनिया और टमाटर, हरी मिर्च पीस दी प्रीति ने उसमें, और यहाँ पे हमारे चावल बनने, और चावल को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज खुले बर्तन में मैंने ये उबाले, ये देखो खुले बर्तन के ना खिले खिले उबला एकदम से। वैसे तो कुकर में भी अच्छे बनाए चावल, लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाए। और आज चिंकी के फीवर को तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन ही पता चलता है कि कौन सा फीवर चल रहा है चिंकी को। तो जी देखिए, अभी इसका ब्लड सैंपल चला जाएगा लैब में, फिर उससे ब्लड ग्रुप और पता चल जाएगा कि कौन सा फीवर है। और चिंकी का सेकंड टाइम ब्लड टेस्ट हो रहा है उसकी याद में, क्योंकि पिछले साल भी हमने कराया था उसका, जब इसको फीवर बार बार आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जी छोंकने की तैयारी कर दी है, बाकी प्रीति ने जब तक थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है, और जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ तक जो है पोछा लगा दिया है। गगन को भी फीवर चल रहा है, वो भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था, और ट्रीटमेंट जो है भाई साहब ही कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। देखो मेरा भी किया था उन्होंने, जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने और पिताजी ने बहुत अच्छे से रिकवरी की थी। और बाकी अरविंद भैया भी अभी ठीक हैं, उनका भी ट्रीटमेंट उन्होंने ही किया है। तो जी बस ठीक होने चाहिए,
सबके सब। और फीवर जो है तेज़ी से चल रहा है, पहले कई शहरों में दूर था हम लोगों से, लेकिन ये चलते चलते जैसे बोलते हैं ना कोई बीमारी हवा में फैलती है, वो हाल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे छोले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और प्रीति जो है खाना लगा देगी। गुड्डू के पापा नहा लिए हैं तो वो जो है खाना निकाल देंगे। आज सतियों का है, सप्तमी है आज, तो 7 जगह जो है जोड़ निकलेंगे। तो 3-4 चीज़ें जो मैंने बनाई हैं वो सब रखे जाएगी। अगर सबकी हेल्थ ठीक रहती तो मैं जो है पूड़ियाँ बनाती, क्योंकि पकवान ज़रूर बनाने चाहिए। तो जी यहाँ पर देखिए प्रीति ने 2 थाली में लगा दिया खाना। और 7 जगह अंगारी रख देंगे, 1 पानी का लोटा रख देंगे। तो 7 जगह धोख लगाकर अलग अलग जगह, तो यहाँ इसमें से टुकड़ा निकाल देंगे एक एक करके। और इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होती है। और जो खाना होता है कुछ कौवों को रखा जाता है और कुछ गाय को दे दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पंडितों को जब बुलाया जाता है, जब पहला पिंड दान किया जाता है उस टाइम पर पंडितों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये हर साल तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा होती है हर इंसान की। पंडित जी को भी खाना खिला सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है। लेकिन हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं जैसे हमारी सास कराती है बाकी, और मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर जो पानी होता है लोटे का, वो सूर्य देवता को दे दिया जाता है। अगर हम लोग पूजा पाठ में थोड़ी सी भी फेरबदल करें तो हमारे बड़े बोलते हैं कि ये नए ज़माने के बच्चे हैं तो इन्हें हम लोगों से ज़्यादा पता है। तो इस करके हम सोचते हैं कि बस यह है कि सारे त्यौहार अच्छे से होने चाहिए जो भी है, और जिस तरीके से वो लोग हमें बताते हैं खुशी खुशी हमें वही मानना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद में अभी नंबर आ गया है धनों को नहलाने का। काफ़ी दिनों बाद नहाई है ये देखो, और बहुत मिट्टी, वो तो देखो नीचे की हुई बता रही जमीनी कितनी मिट्टी इसमें से निकली है, और मिट्टी से लथपथ, और मिट्टी ना जंग लगा देती है हर चीज़ पे। आज तो बिल्कुल देखो इसको मशीनरी है, क्या बोल रहा है इंजन, ये भी चमका दिया, पॉलिश वोलिश और मार दिया। सब पॉलिश तो रखी होगी, बहुत दिन हो गए जैसे नए हुए। और छोटा पाइप इन्होंने सेटिंग करके यहाँ पे लगाया, क्योंकि बड़े पाइप से ज़्यादा पानी खराब होता है। दांत साफ करने वाला वहाँ रखा है, ब्रश वो रखा उसको मशीन पे कपड़े धोने का। बेली डांस कर रहा, बेली डांस, ये देखो। पिताजी को बुलाऊँ क्या? यही सी है पिताजी, बेली डांस कर रहा है, ये देखो। हाँ, बस, देख लिया तेरा डांस, रहने दे, इतनी गर्मी नहीं हो रही, हवा चल रही, एसी तो अभी रात को ही नहीं चलते, दिन में तो क्या। ओ उत्तर वाला हो जा, खूंटा ही पड़ेगा क्या, बिल्कुल एकदम बहुत बारीकी से साफ करी जा रही बाइक, ये देखो। आज डीप क्लीनिंग हो रही इसकी भी। अच्छा, इसकी भी डीप क्लीनिंग, त्योहारों का सीजन है ना, तो इसका भी सीजन है। और जो छोटी बाइक है उसका गगन चलावे, वो ड्यूटी पे जावे ना अपनी, तो वो सीन ले रखी है अभी काफ़ी दिन से, और अब बस इस पर ही काम हुआ है। जो छोटे मोटे भी है, नहीं तो पहले बुढ़ाने तक के काम तो वो करो ही जाती। हाँ, लोकल के जितने काम हुए थे उस पर ही हुए थे। वह भीड़ में भी चली जा, चीज ही से जंगा ज़्यादा चाह। आज काफ़ी दिनों बाद संजय जी आए हैं किसी ज़रूरी काम से बुढ़ाना, तो बुढ़ाने से फिर हमने सोचा कि भाई हम तो सारे जा नहीं सकते, चलो यही आ जाएंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, अभी तो थोड़ी सी बात चल रही थी। तो जी बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। वैसे आना बहुत दिनों बाद हुआ आपका। हाँ, उस दिन बॉबी को लेके आए थे, और वो भी थोड़ी देर के लिए ही। एक तो आना जाना आजकल ज़्यादा उधर चल रहा है, शामली की तरफ। अच्छा, क्योंकि उनके रवि के साथ में, बल्कि अभी रवि आया था, रवि चला गया। चला गया रवि? हाँ, रवि चला गया। रवि तो इतना डिस्टर्ब है, वो तो फोन भी नहीं कर रहा, क्या बात है। वो थोड़ा सा उसका काम भी छूट गया। हाँ। काम कर रहा था, वहाँ से छोड़ दिया, मन थोड़ा उदास हो गया उसका, सोच रहा क्या करूँ क्या नहीं, तो भी कंफ्यूज है वो। कंफ्यूज है। हाँ। और वो कंफ्यूज अभी नहीं हुआ, पहले भी कभी हो जाता था इस तरह से लेकिन अब ज़्यादा हो गया। हाँ, अब ज़्यादा हो गया ना। चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो कुछ ना कुछ हिल्ला, रोजगार तो राम जी ने सोच ही रखा सबके लिए, थोड़ा बहुत या नहीं तो। चलो जी आप करो अपना काम, इतना मैं जा रही चाय बनाने के लिए, और गुड्डू के पापा तब तक रेडी हो जाएंगे क्योंकि विभिन्न के साथ ही जाएंगे। भाई इसमें तो ये स्ट्रोक भी नहीं घुस रहा इसमें तो, और भाई नारियल पानी पी रही यहाँ पे चिंकी अभी नाश्ते में, लेकिन यहाँ पे इसका पोपट हो गया। ये 2 नारियल मंगवाए थे और भाई एक तो बिल्कुल खाली निकल गया, एक बूंद भी पानी नहीं निकला इसमें तो, है चिंकी। इसमें तो बंजर जमीन भर गई।
अब इसकी जांच हमें है नहीं भाई, कैसे देख के लाए जाए, इनकी कोई पहचान हो तो बताना। आगे से हम जो है ज़्यादा घट्टे में न रहें। देखो 60 रुपये रेट चल रहा है इसका फिलहाल यहाँ पे, और ये बिल्कुल एकदम डैम हो गए, किसी काम के नहीं रहे। तो खैर एक में निकल गया जिससे चिंकी अभी पी लगी इसमें। चिंकी एक काम कर, इसे पी ले जल्दी जल्दी, कभी सूख ही जाए इसका मुंह खोल के, पर गैस की तरह निकल के भाग जाए तुम्हें से। बुखार तो नहीं है भैया? चिंकी का बुखार तो ठीक है, लेकिन फिर लाया कौन था इन्हें? अमित भैया। अच्छा, अमित पर मंगवाए थे। चिंकी एक पहचान बता रही कि देखो ये लाल सा है और ये ग्रीन है, तो ग्रीन वाले में निकला, लाल में बिल्कुल नहीं निकला। ऐसा है चिंकी, ये इसने खुद पहचान करी, किसी के बताने पर नहीं। पीछे के सारे काम निपटाने के बाद में, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है फिर काम जल्दी से निपट जाता है, तो आज कपड़ों की धुलाई भी नहीं की क्योंकि श्राद्ध है। तो कोशिश यही रहेगी जितना आप लोग हमें बताते हो उतना करेंगे। और आज मैंने सब्जी में इसी वजह से हींग भी नहीं डाला था, हमें नहीं पता रहता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जितना आप बताते हो उतना हम लोग कर लेते हैं। और हमें देखो बुरा भी नहीं लगता उस चीज़ का जब आप अच्छे से हम लोगों को समझाते हो जो भी चीज़ें। तो अभी मैंने यहाँ के गद्दे सुबह के टाइम निकाल के बाहर डाल दिए थे, तो थोड़ी बहुत धूप लग गई है उन पर, काफ़ी दिनों बाद डाले हैं। तो अब बेड शीट वगैरह चेंज कर दूंगी, कितने दिन से वो वाली बेड शीट ही पड़ी थी कई दिन से, क्योंकि बच्चे अभी ऊपर नहीं आते, गंदे नहीं होते बेड शीट वगैरह। और फिर जो है थोड़ी सी यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, और वैसे मैं रोज़ ही लगाती हूँ झाड़ू, तो यहाँ पे अब तो साफ़ सफाई हुई रहती है, इतना गंदा नहीं होता है। और जिस दिन से यार उसको फोल्डिंग में चोट लगी ना, उस दिन से उसने कोई से बच्चे ने भी इस फोल्डिंग को छुआ नहीं। पहली तो बात कल आर उस शिकायत कर रहा था, मम्मी पहले हम स्कूल से आते हैं फिर अपना होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन में जाने का टाइम हो जाता है, फिर ट्यूशन को होमवर्क करते हैं, खेले तो कितनी देर में खेले और किस टाइम खेले, क्योंकि शाम हो जाती है फिर उन लोगों को खेलने का उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, घेर में जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता, दिन छिपे ही जावें जब भी जावें। और आज अभी तक चाचा जी का बिस्तरा यहाँ पे इकट्ठा गोल गोल करके छोड़ दें हमें, तो चाचा जी घेर में चले जाते हैं। तबीयत अब उनकी ठीक है पहले से, और दवाइयाँ तीनों टाइम की है, टाइम पर मैं दे रही हूँ सुबह दोपहर शाम, तो कंटिन्यू दवाई खानी पड़ेगी हम उन्हें, क्योंकि ये वाली हड्डी पिचकी हुई है, टूटी हुई है, अंदर को खिसक रही, हाथ लगाने से भी ऐसे वो होती है, देखो यहाँ से कितना ही टाइट होता है ना हमारा, ये बिल्कुल नहीं दब सकता, लेकिन उनकी टूट रही ना तो ऐसे वो हो जाती है। प्लास्टर वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकता, और दवाइयों की वजह से ही रिकवरी होगी। तो चलो जी अभी इन पे अच्छी खासी धूप गद्दों पे लग गई है, इसके ऊपर तो छाँव भी आ गई तो ठंडा भी हो गया, तो अब इन्हें रख देते हैं बेड पे। और गुड्डू के पापा संजय जी चले गए हैं बाहर, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था दोनों जनों को। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।